हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। आज हम देखेंगे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल के बारे में। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, लास्ट टाइम भी इससे सीडीएस ने 4 से 5 क्वेश्चन पूछे थे। आज हम एक्चुअल में डिस्कस करेंगे कि ये जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल है क्या, इसके रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे कवर करेंगे, ताकि आने वाले किसी भी यूपीएससी के पेपर में अगर दोबारा इससे कोई क्वेश्चन आए तो आपका मिस ना हो। तो चलिए बिना देर के हम शुरू करते हैं। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल के बारे में जानने से पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, वो देख लेते हैं। आर्टिकल 244 जो हमारे संविधान का है वो हमें क्या बताता है। आर्टिकल 244 बताता है कि जो इंडिया में शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं और ट्राइबल एरियाज़ हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगी। ये कौन सा आर्टिकल हमें बताता है, ये बताता है आर्टिकल 244। अब ये जो आर्टिकल 244 है ये इंडिया के संविधान के किस पार्ट में आता है, ये आता है पार्ट 10 में। अब शेड्यूल 5 क्या बताता है। शेड्यूल 5 जो है हमारा, ये बताता है कि इंडिया में जितनी भी ट्राइबल पॉपुलेशन है, इंडिया की जितनी भी स्टेट्स की ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको एडमिनिस्ट्रेट कैसे करना है, ये हमें बताता है शेड्यूल 5। लेकिन इसमें इंडिया की 4 स्टेट जो है इंक्लूडेड नहीं है। वो 4 स्टेट्स कौन सी हैं, वो है ATMM। ए से क्या है, ए से है असम, टी से है त्रिपुरा, एम से है मिजोरम और एम से है मेघालय। तो ये 4 स्टेट्स जो है शेड्यूल 5 में इंक्लूडेड नहीं है। अब इन 4 स्टेट्स में जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको एडमिनिस्ट्रेट कैसे करना है, ये हमें बताता है शेड्यूल 6। और शेड्यूल 6 में ही इन जो ट्राइबल पॉपुलेशन को एडमिनिस्ट्रेट करने का तरीका है, इनकी मदद करने के लिए, इनके जो हक हैं उनको सामने रखने के लिए सरकार के, वो बनाए गए हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल। तो उसके बारे में हम देखेंगे। अब ये जो 4 स्टेट्स की ट्राइबल पॉपुलेशन को हमने शेड्यूल 5 में ऐड नहीं किया, इसका मकसद क्या था। मेन चीज़ ये थी कि ये जो 4 स्टेट्स की ट्राइबल पॉपुलेशन है ये अभी भी बहुत ही ज़्यादा सोशली और इकोनॉमिकली जो है बैकवर्ड है। वो नहीं चाहते, उनकी अपनी ही कम्युनिटी है, वो जैसे जीते आ रहे हैं वो वैसे ही जीना चाहते हैं। वहाँ पे मॉडर्नाइजेशन के बिल्कुल नामो निशान नहीं है, उनको अपना कल्चर बहुत ज़्यादा पसंद है, उनको गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस उसमें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये जो 4 स्टेट्स की ट्राइबल पॉपुलेशन थी इनको जो रखा गया है अलग, और ये जो शेड्यूल 5 में आती है इनमें कुछ सुधार हो चुका है, ये लोग कुछ कुछ मॉडर्नाइज होने शुरू हो चुके हैं, ये जो इंडियन गवर्नमेंट के साथ धीरे धीरे मिलना शुरू हो चुके हैं, उनके साथ कदम बढ़ा रहे हैं ताकि वो सोशली और इकोनॉमिकली आगे बढ़ सके। लेकिन ये जो शेड्यूल 6 के ये जो ट्राइबल एरिया यहाँ पर आता है, ये लोग, इनको अपने कल्चर से बहुत ज़्यादा प्यार है, ये जैसे जीते आ रहे थे ये वैसे ही जीना चाहते हैं। तो इनके जो राइट्स हैं उनका हनन ना हो, तो इस वजह से जो है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल का जो है गठन किया गया है। अब हमने देखी 4 स्टेट्स जहाँ पर बनेगी हमारी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल। ये कौन कौन सी है, ये है ATMM, यानी कि असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। अब ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है क्या और इनकी पावर्स क्या होंगी। सबसे पहले ये लगा लीजिए है असम। अब असम के वो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है। अब इतना यहाँ पे सपोज करिए इतने एरिया में है ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा। अब ये लोग जो है काफ़ी सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। हमारा संविधान क्या कहता है कि सभी को बराबर का स्टेटस देना चाहिए। अब ये लोग अगर इस कल्चर में जीना चाहते हैं फिर भी उनके राइट्स का हनन ना हो, उनकी बातें जो है सरकार माने, वो जो चाहते हैं उस हिसाब से अपनी वर्किंग कर सके, तो इस वजह से बनाई गई है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल। जहाँ जहाँ पर भी ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ वहाँ पर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना दी जाएगी। अब ये जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, ये टोटल हमारी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल है, ये जो 4 स्टेट्स में है और इनका टोटल नंबर है 10। असम में है 3, त्रिपुरा में है 1, मिजोरम में भी है 3 और मेघालय में भी है 3। तो टोटल इन 4 स्टेट्स में ये है टोटल 10 काउंसिल।
यानी कि ये जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है या हमारी स्टेट्स के कुछ एरियाज है, इनको जो ऑटोनॉमी और कुछ पावर्स प्रोवाइड की करवाई गई है वो किसके थ्रू करवाई गई है? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल के द्वारा। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में काउंसिल का वर्ड आ रहा है। काउंसिल, काउंसिल का मतलब होता है इलेक्टेड मेंबर्स, जहां पे मेंबर्स जो है इलेक्ट होकर आते हैं वो होती है काउंसिल। अब इसकी कंपोजिशन वगैरह हम जो है देखेंगे। कंपोजिशन देखते हैं, जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी इसकी कंपोजिशन क्या बताई गई है हमारे संविधान में? हमारी जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल है इनमें टोटल होंगे मेंबर्स 30, 30 मेंबर्स, जिसमें से 26 मेंबर्स इलेक्ट होंगे वोटिंग के द्वारा और 4 मेंबर्स को गवर्नर नॉमिनेट करेगा। 26 मेंबर्स जो होंगे इलेक्टेड और 4 मेंबर्स होंगे जिनको गवर्नर नॉमिनेट करेगा। लेकिन एक ऐसा एरिया है जहां पे ये एक्सेप्शन है, एक ऐसा जो है ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल है जहां पे ये 30 वाला क्राइटेरिया नहीं लागू होता। वो कौन सा है? असम में है बोडोलैंड, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन। यहां पे जो हमारी रीजनल काउंसिल है उसके मेंबर्स है 46, और इसमें से 40 मेंबर्स होते हैं इलेक्ट और 6 मेंबर्स होते हैं नॉमिनेट गवर्नर के द्वारा। बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में 46 मेंबर्स हैं टोटल, जिसमें से 40 मेंबर्स जो होते हैं इलेक्ट होते हैं वोटिंग से, 6 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है गवर्नर, और उन 6 मेंबर्स में भी एटलीस्ट 2 मेंबर्स जो है वो वुमेन होनी चाहिए। तो इस तरह जो है हमारी कंपोजिशन है। अब ये जो बॉर्डरलैंड टेरिटोरियल रीजन है ये है क्या, इसको एक्सेप्शन क्यों मिली? ये जो असम है, असम के ऊपर आते हैं 4 डिस्ट्रिक्ट, और ये 4 डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर इसको कहते हैं बॉर्डरलैंड टेरिटोरियल रीजन। और यहाँ पे जो वर्क करती है वो क्या करती है? ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल। और ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन काफ़ी है, और इन्होंने वहाँ पर जो है सरकार पे काफ़ी प्रेशर बनाया था कि ये जो लोग हैं अब इंडिया से अलग हो जाएंगे, अपनी एक अलग स्टेट बनाएंगे, अपना अलग संविधान बनाएंगे। तो अब क्या हुआ, ये अलग ना हो तो इनको कुछ एक्स्ट्रा पावर्स दे दी गई, कि इनको कहा कि आप अपने हिसाब से वर्किंग कीजिए, आपका जो बाकी जगह पे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट या रीजनल काउंसिल के मेंबर्स होते हैं 30, आपके मेंबर्स 46 होंगे, इनकी पावर्स जो थी बाकियों से एक्सटेंड कर दी गई ताकि इनको अलग होने से रोका जा सके। तो बाकी चीजें देखते हैं अब ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट और रीजनल में क्या फर्क है? रीजनल में क्या फर्क है? बहुत ज्यादा डिस्ट्रिक्ट जो काउंसिल्स है पूरा एरिया, जैसे ये है 4 डिस्ट्रिक्ट्स है, तो यहाँ पे अलग अलग अगर कोई डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नहीं बनानी तो इनकी एक इकट्ठी काउंसिल बनाई जा सकती है जिसको कहते हैं रीजनल काउंसिल। और अगर पूरे स्टेट में कोई एक डिस्ट्रिक्ट है तो वहां पे कौन सी होगी? वहां पे होगी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। या एक और क्राइटेरिया हो सकता है, कभी कभार ये जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट है, सपोज 4 डिस्ट्रिक्ट या 5 डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे अलग अलग शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन रह रही है, शेड्यूल ट्राइब में भी अलग अलग कास्ट है, ट्राइबल पॉपुलेशन अलग अलग तरह की रह रही है। अगर बहुत ज्यादा अलग अलग रह रही है तो इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं? इनकी जो एक तरह की शेड्यूल की ट्राइबल पॉपुलेशन है वहाँ उनको एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंडर ले आएंगे, दूसरी को दूसरी की डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंडर ले आएंगे, और तीसरी को तीसरी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंडर ले आएंगे, और तीनों को अगर इकट्ठा मैनेज करना हो तो वहाँ पे जो वर्क करेगी वो करेगी रीजनल काउंसिल। ये जो हमने देखी कि कॉम्पोजिशन होती है 30 मेंबर्स की, जिसमें से 26 इलेक्टेड और 4 नॉमिनेटेड होते हैं, इनका कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल होता है 5 साल का, 5 साल का। और ये 5 साल का कार्यकाल कब शुरू होता है? जब ये लोग इलेक्शन के बाद पहली बार मीटिंग में मिलते हैं तब इनका कार्यकाल शुरू होता है 5 सालों का। और ये जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है ये किसके अंडर वर्क करती है? ये करती है गवर्नर के अंडर, गवर्नर के अंडर। अब जो हमारा शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 था इसमें डिफरेंस क्या था? जो हमारे शेड्यूल्ड एरियाज कौन से होंगे ये डिसाइड करता है प्रेसिडेंट, और जो हमारे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट कौन से होंगे, कौन सी रीजनल काउंसिल होगी, ये डिसाइड करता है गवर्नर। तो इस तरह से जो गवर्नर और प्रेसिडेंट में डिफरेंस आ जाता है।
शेड्यूल्ड एरियाज के बारे में प्रेसिडेंट बताता है, और जो हमारे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट या रीजनल काउंसिल्स होंगी इसके बारे में हमें कौन बताएगा, किसको पावर दी गई है, ये पावर दी गई है गवर्नर को। अब पावर्स क्या क्या है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है जो पावर्स मिलती हैं। स्टेट में जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो लॉज बनाएगी वो इन पर बाध्य नहीं है, और अगर वो लॉज इन पर बाध्य करने हैं तो गवर्नर की परमिशन लेनी होगी या गवर्नर उनको मॉडिफिकेशंस प्रोवाइड कर सकता है। नहीं तो ये जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट है, जैसे ये स्टेट है, यहाँ पे इतने में है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, और यहाँ पे जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है इसके पास क्या क्या पावर है। इसके पास पावर है कि लैंड पर, वहाँ के लैंड पर क्या होगा, वहाँ पे कौन कौन सा टैक्स लगेगा, लैंड पे टैक्स लगेगा कि नहीं, वहाँ पे फॉरेस्ट का यूज़ कैसे होगा, अगर फॉरेस्ट कट करने हैं उनको मेडिसन बनानी है स्टेट को चाहिए तो वो भी उनके एरिया में ही आता है, उनकी पावर के अंडर ही आता है। इसके अलावा वहाँ पे स्कूल्स होंगे कि नहीं होंगे, कौन से स्कूल्स होंगे, पब्लिक प्रॉपर्टी का यूज़ कैसे होगा, ये सब कुछ कौन डिसाइड करेगा, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल डिसाइड करेगी। यानी कि इतने एरिया में एक अलग ही सरकार चल रही है, ये अपने हिसाब से ही वर्क करेंगे। हाँ, इनका जो सबसे ऊपर वाला है जिसको ये उत्तरदायी होंगे वो होंगे गवर्नर को, गवर्नर इनको जो है वो मैनेज करेगा, लेकिन ये जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है ये एक तरह की बाकी एरिया से अलग ही अपनी सरकार चला रहे हैं, अपने ही लोग चुनते हैं, अपने ही हिसाब से टैक्स लगाएंगे, स्कूल बनाएंगे, रोड बनाएंगे, फॉरेस्ट को काटना है कि नहीं काटना, कौन सा फेस्टिवल मनाना है, कैसे मनाना है, ये सब कुछ कैसे मैनेज करेंगे, अपनी जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उसके थ्रू मैनेज करेंगे, और ये किसके अंडर वर्क करती है, ये करती है गवर्नर के अंडर। यानी कि जो हमारे काम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली करती है वो वहाँ पे कौन करता है, वो करता है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल। यानी कि आपने इनकी पावर्स देखी बहुत ज़्यादा हैं। अब जैसे इसकी कंपोजिशन थी, इनका काम होता है 5 साल के लिए, तो कोई इनका मेंबर जो था वो 5 साल के लिए चुना गया, सपोज ए मेंबर, अगर उसकी 3 साल के बाद डेथ हो जाती है तो नया मेंबर जो उसको रिप्लेस करेगा वो उसकी टर्म कंप्लीट करेगा, यानी कि सिर्फ 2 साल फंक्शनिंग करेगा, ऐसा नहीं है कि वो अगले 5 साल तक उसकी जो है फंक्शनिंग करता रहेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा इनका जो 5 साल का कार्यकाल होता है इसको इंक्रीज कैसे किया जा सकता है, इंक्रीज तभी हो सकता है कि गवर्नर अगर कह दे कि इलेक्शन करवाने इस वक्त पॉसिबल नहीं है, एमरजेंसी लग जाती है या हिंसा हो जाती है, तो गवर्नर इनका कार्यकाल 1 साल तक के लिए इंक्रीज कर सकता है। और लेकिन अगर एमरजेंसी जो है ख़त्म हो जाती है, एमरजेंसी ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद अगले 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए, ये गवर्नर की जिम्मेदारी है। इसके अलावा देखते हैं कि गवर्नर का इस सब में क्या रोल है। अब गवर्नर की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है शेड्यूल 6 में, जो हमारा शेड्यूल 5 है उसमें अटमोस्ट इम्पोर्टेंस जो है वो किसकी है, वो है प्रेसिडेंट की। लेकिन गवर्नर का रोल शेड्यूल 6 में, यानी कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल में सबसे ज़्यादा है। गवर्नर का क्या रोल है, सबसे पहले जितनी भी कोई नया डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनेगी कि नहीं बनेगी ये डिसाइड करेगा गवर्नर, और उन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बाउंड्रीज क्या होंगी, रीजनल काउंसिल की बाउंड्रीज क्या कौन सी होगी वो भी डिसाइड करेगा गवर्नर, और गवर्नर के पास ही पावर है इन डिस्ट्रिक्ट या रीजनल काउंसिल्स की बाउंड्रीज को कभी भी इंटरचेंज कर सकता है। इसके अलावा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कोई बिल लेके आती है तो वो यहाँ पे इन पर लागू होगा कि नहीं होगा, और अगर लागू होगा तो किन मॉडिफिकेशंस के साथ होगा ये भी डिसाइड करता है गवर्नर। अगर हाई कोर्ट इन स्टेट की कोई फैसला देती है तो वो भी इन पर लागू होगा कि नहीं होगा, अगर लागू होगा तो कौन सी मॉडिफिकेशन के साथ होगा, ये भी काम है गवर्नर का। यानी कि सारा जो फंक्शनिंग दी गई है वो गवर्नर को दी गई है, और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनके पास काफ़ी पावर्स हैं, वो ही डिसाइड करेंगे यहाँ पे कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। जैसे मैंने आपको बताया ATMM, यहाँ पे इस वक्त टोटल है 10 काउंसिल्स, असम में है 3, त्रिपुरा में 1, मिजोरम में 3, मेघालय में 3, तो गवर्नर के पास पावर है कि इनको इन काउंसिल्स का नंबर कम भी कर सकता है, ज़्यादा भी कर सकता है, इनका नाम चेंज कर सकता है, इनकी बाउंड्रीज को अल्टर कर सकता है, 2 काउंसिल्स को मिक्स कर सकता है, मेंबर्स को बढ़ा कम सकता है, यानी कि सारी पावर्स जो है गवर्नर को दी गई है। अब गवर्नर के पास ही पावर है कि
कि वो एक कमीशन का कभी भी गठन कर सकता है, और ये कमीशन क्या करेगी, ये चेक करेगी कि ये जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट या रीजनल काउंसिल है अपना वर्क जो है सही से कर रही है कि नहीं। और इस कमीशन की रिपोर्ट से अगर गवर्नर सेटिस्फाइड नहीं होता तो वो क्या कर सकता है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को ख़त्म कर सकता है। कितने महीनों के लिए, एक साल के लिए, यानी कि 12 महीनों के लिए तो एटलीस्ट ख़त्म कर सकता है। और इन 12 महीने के अंदर ये बिल दोबारा जाएगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास। अगर गवर्नर ख़त्म करना चाहता है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को तो वो उसी वक्त कर देगा, लेकिन 12 महीने के अंदर अंदर वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास बिल जाएगा। अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली समझती है कि गवर्नर ने सही फैसला लिया है तो उससे अगले एक साल तक के लिए तो वो डिसीज़न जो है मान्य हो जाएगा। लेकिन अगर स्टेट असेंबली कहती है कि गवर्नर ने गलत किया है, वहाँ पे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होनी चाहिए, तो फिर क्या होगा, वो फैसला गवर्नर का रद्द हो जाएगा और वहाँ पे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी। इसके अलावा अब यहाँ पर जितने भी ऑडिट्स आते हैं, जितने भी ऑडिट्स यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में पैसे का लेन देन होगा या सरकार उनको पैसे जो प्रोवाइड करेगी वहाँ पे फंक्शनिंग होने के लिए, या वहाँ पे जो टैक्स कलेक्शन हुई है उसके रिलेटेड इनके ऑडिट्स कौन करता है, इनके ऑडिट्स करता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। यहाँ पे स्टेट के ऑडिटर्स का कोई रोल नहीं है, इनके ऑडिट भी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ही करता है। ये क्वेश्चन भी आपको CDS में पूछा जा सकता है। तो चलिए चलते आगे। अब लास्ट टाइम जो कुछ क्वेश्चंस आए थे इसके रिलेटेड वो देख लेते हैं। सबसे पहले, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द टेन्योर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इज करेक्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, इनका टेन्योर होता है 5 साल का, और ये शुरू कब होता है, जब उनकी फर्स्ट मीटिंग होती है इलेक्शन के बाद। और टोटल नंबर कितना है इनका, 30, जिसमें से 26 होते हैं इलेक्टेड, 4 होते हैं नॉमिनेट, तो ये आपने याद रखना है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग शैल कॉज द अकाउंट्स ऑफ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड रीजनल काउंसिल फंड्स टू बी ऑडिट। जो हमारे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल के फंड होते हैं इनको जो ऑडिट कौन करता है, ये करता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज द पावर ऑफ अनलमेंट और सस्पेंशन ऑफ एक्ट्स एंड रेजोल्यूशंस ऑफ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल। तो ये पावर है गवर्नर के पास, प्रेसिडेंट के पास पावर होती है शेड्यूल्ड एरियाज, उनके रिलेटेड जो एक्ट है उनको शुरू करने में या उनकी अनलमेंट में, उसमें हाथ होता है प्रेसिडेंट का। लेकिन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल के रिलेटेड जितनी भी पावर्स हैं वो है गवर्नर के पास। और ये क्वेश्चन भी आया था पिछली बार, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर सेटिंग अप ऑफ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो ये कहता है हमारा कौन सा शेड्यूल बताता है, ये बताता है 6th शेड्यूल। और 5th शेड्यूल क्या बताता है, शेड्यूल्ड एरियाज को कैसे एडमिनिस्ट्रेट करना है, उसमें 4 स्टेट्स नहीं आती, कौन कौन सी, ATMM, ए से है असम, टी से है त्रिपुरा, एम से मिजोरम, एम से मेघालय। असम में है 3, त्रिपुरा में 1, मिजोरम में 3 और मेघालय में 3, तो टोटल है इस वक्त 10। तो चलिए, ये क्वेश्चन थे जो लास्ट टाइम पूछे गए थे, आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। जल्दी मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।